काले चने का निमोना बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन काले चने का तो आप किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। काले चने को आप बॉयल करके भी स्नैक्स के तौर पे किसी भी तरह से खा सकते हैं, लेकिन आज इसकी बहुत ही टेस्टी सब्जी क्या बोल सकते हैं निमोना बनाएंगे। जैसे आप मटर वगैरह का निमोना बनाते हैं सेम वैसे ही, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी भी होता है लेकिन बहुत ही टेस्टी भी होता है। ऐसे आप इसको चावल रोटी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं या आप छोले के तौर पर भी खा सकते हैं। तो चलिए, ये मैंने लिया है काला चना, इसको मैंने भिगा के छोड़ दिया था 4 से 5 घंटे, ऐसे 2 से 3 घंटे भी भिगो सकते हैं। फिर इसको मैंने थोड़ा सा एक सीटी लगा लिया था प्रेशर में, मतलब कुकर में एक सीटी लगा लिया है फुल आँच में, तो हल्का सा ये बॉयल हो गया है। अब उसको हम लेंगे, यहाँ मैंने दिया है, अब इसको हम पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये दो पार्ट करेंगे इसका। इधर लिया है प्याज लहसुन अदरक मिर्ची, इन सबको ले लिया है। तो अदरक लहसुन की मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, एक प्याज लिया है, 3-4 मिर्ची लिया है और अदरक का छोटा सा टुकड़ा लिया है। और यहाँ पे लिया है धनिया साबुत, उसको मैंने आधे घंटे के लिए पानी में भिगा दिया था। ऐसे भी आप ले सकते हैं, लेकिन एक बार आधे घंटे पानी में भिगा के भी देखिए, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इन सबको साथ में हम एक कटोरी चना, मतलब एक कटोरी से भी जैसे आप किसी भी क्वांटिटी में बना रहे हैं उस तरह से आप एक कटोरी चना को, मैं इसी में हमने 4 से 5 लोगों के लिए बनाया है, तो मैंने जैसे 2 कटोरी चना था उसमें 1 कटोरी चना को प्याज लहसुन अदरक मिर्ची के साथ हमने पेस्ट बना लिया है। तो इस तरह से बिना पानी के ही पेस्ट बनाना है, अगर आप इसमें पानी डाल देंगे तो वो फ्लेवर और वो स्वाद नहीं आएगा। तो बस इधर लिया है मैंने 2 से 3 टमाटर, छोटे साइज़ के टमाटर हैं, बड़े साइज़ के हो तो 2 टमाटर ले सकते हैं, कोई कम ज़्यादा हो सकता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आलू को भी इस तरह कच्चे आलू को भी मैंने काट लिया है 2 आलू को लंबे लंबे साइज में, और उस जो आधा चना बचा के रखा था उसको लिया है। इधर लिया है मैंने 2 साइज की बड़ी, तो बड़ी इजली आप हर घर में बनती ही है, तो गांव में तो अक्सर ही बनती है। अगर ये 2 बड़ी लिया है, अगर आपके पास यहाँ बड़ी ना हो तो आप यहाँ पर गर्म मसाले का यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने बड़ी लिया है इसलिए मैंने खड़े गर्म मसाले के यूज़ नहीं किया, क्योंकि बड़ी में वैसे ही ऑलरेडी सब कुछ डला हुआ होता है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। जब भी आप निमोना बनाते हैं तो निमोने में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, और यकीन मानिए इतना टेस्टी इतना लगता है। और इधर लिया है गर्म करके सरसों का तेल, कढ़ाई में रख दिया था गर्म होने के लिए, उसमें हम डालेंगे मेथी का तड़का, तो मेथी का तड़का ही इसमें पड़ेगा, जीरा डालेंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा। तो मेथी का तड़का डालेंगे और थोड़ी सी तेल की क्वांटिटी बढ़ा देंगे, क्योंकि अभी जो हम करने वाले हैं उसके लिए थोड़ी सी तेल का मात्रा होगी। जैसे हम 2 बड़ी चम्मच 3 बड़ी चम्मच में हमने तेल लिया है वहाँ पे, और 1 प्याज को बड़े साइज़ के प्याज को काट लिया था, और जो बड़ी लिया था मिर्ची 1 लिया है, तो मिर्ची को भी साबुत काट लेंगे, और बड़े साइज़ के प्याज को भी ऐसे लंबे लंबे उसमें काट लिया है। इन सबको भी हम तेल में डाल के बहुत अच्छे से भूनेंगे, और इसको हमें ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा ही रखना है। फिर जैसे ये थोड़ा हो जाएगा, फिर हम जो पिसा हुआ हमारा पेस्ट था उसको हम इन सब में डाल के अब इन सबको हम अच्छे से भूनेंगे, बहुत अच्छे से भूनेंगे कि इसका जो है तेल रिलीज होने लगे, अगल बगल से दिखाई देने लगे। इस तरह से हमें इनको भूनना है। भुनाई में कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि भुनाई करेंगे तभी इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त खेल के आता है। एक बार इस तरह से बनाइए, जब आपके घर वाले या कोई भी आपके घर में मेहमान भी आए, अगर आपके पास यहाँ पनीर का टुकड़ा हो तो पनीर भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमने डाल दिया है 1 चम्मच भर के कसूरी मेथी क्रश करके, और ऊपर से हमने डाला है हींग, तो हींग 1/4 चम्मच हींग लिया है मैंने, उसको थोड़ा सा ऊपर से डाला है, क्योंकि तड़के में देंगे तो फ्लेवर नहीं आएगा, तो इसलिए जैसे ये भुनना स्टार्ट हो जाए तब हम डालेंगे हींग। इन सबको हम अच्छे से भूनेंगे, मतलब इतना भूनेंगे कि इसका जो सौंधा जो फ्लेवर है वो भी आने लगता है, तभी तक हम इसको भूनेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे 1 चम्मच भर के सब्जी मसाला, आप किसी भी ब्रांड का सब्जी मसाला ले सकते हैं, अदर कोई भी मसाला मत डालिएगा, क्योंकि हम हमेशा सब्जी मसाला ही यूज करते हैं, ज़्यादा गर्म मसाला या फिर किसी और मसाले का इस्तेमाल नहीं करते। तो इस तरह से आप सब्जी मसाला कोई भी ब्रांड का लेके 1 चम्मच भर के सब्जी मसाला डाल दीजिए। जैसे ये भुनाई शुरू हो जाए तब हम ये जो चना और आलू बचा है उसको हम डाल कर उन सबको भी मिला के अच्छे से भूनेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप जब बनाएंगे तो यकीन मानिए इतना ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है, और आपको दाल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब इस तरह से काले चने को आप बनाएंगे। अब बच्चे भी कितना मांग मांग के खाते हैं, बच्चे भी खुश होकर खाते हैं, ऐसे तो आप चना वगैरह बच्चे कम ही खाते हैं, लेकिन जब आप इस तरह से बनाएंगे तो बच्चे भी
खुश होकर खाते हैं। फिर हम डाल देंगे टमाटर, जैसे मतलब सब कुछ भूनने के बाद जैसे हमें पानी डालना आग हुआ तब हम डाल देंगे टमाटर। इन सबको अच्छे से मिलाने के बाद हल्का जब पक जाए तब हम डालेंगे गुनगुना तेज गुनगुना पानी, तेज मतलब गर्म पानी। नमक डालने के बाद नमक डाल देंगे, फिर उसके बाद आप यहाँ पे नमक मिलाने के बाद इसको थोड़ा सा ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दाल के साथ, दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, पराठा रोटी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे ग्रेवी बनाना है, निमोना बनाना है, इसलिए हमने यहाँ तेज़ गर्म पानी लिया है। तेज़ गर्म पानी से क्या होता है, कुकिंग प्रोसेस जल्दी हो जाती है, इसलिए हमने लिया है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ठंडे पानी का इस्तेमाल करेंगे तो उसका फ्लेवर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको पकाएंगे। अब हम ढक के इसमें थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। थोड़ी देर क्या, 10 मिनट से ऊपर फुल फ्लेम पे पकाइएगा, फुल फ्लेम रहेगा। जब पूरी कुकिंग प्रोसेस आपको फुल फ्लेम पे ही होना चाहिए, क्योंकि धीमी आँच करेंगे तो बहुत उसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन फुल आँच रहेगी तो बहुत ही टेस्टी सब्जी बनके तैयार होगी। इस तरह से हमारी सब्जी रेडी है और हम तब तक नहीं खोलेंगे जब तक इसको लगेगा 10 मिनट तक। आप टच मत करना, 10 मिनट के बाद ही खोलना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस तरह से हम धनिया पत्ती डाल के इसको सर्व कर लेते हैं और हमारी सब्जी, हमारी ये निमोना बनके, काले चने का बहुत ही टेस्टी निमोना बनके रेडी है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय एंड टेक केयर।